हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सीनियर ओमेन्स टी20 लीग का जो अगला मैच खेला जाएगा RAIW वर्सेस BENW के बीच में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। कौन सा प्लेयर दोस्तों इस मैच के अंदर ओपन करते हुए नजर आने वाली है, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए दिखेंगी, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर स्टार्टिंग ओवर पर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, कौन से बॉलर डेथ ओवर पर बॉलिंग करने के लिए दिखेंगे। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा दोस्तों आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है दोस्तों, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें दोस्तों। यहाँ पे ना आपको एक एरो का बटन मिल जाएगा, अगर आपने यूट्यूब अपडेट कर दिया है तो फिर आपको मोर का ऑप्शन इसी प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ना ज्वाइन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। देखो अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि एक दो प्लेयर आफ्टर टॉस अगर चेंज होता है तो वही टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है आपको। इस वीडियो के नीचे लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों पहला कमेंट पर लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब रिकॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मैच है 9:30 में ये मैच आपको सुबह देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और यहाँ अगर आप वेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में ये मैच होने वाला है। और यहाँ का पिच कंडीशन आपको मैं बता दूँ, बैलेंस पिच है, दोनों ही डिपार्टमेंट को इक्वल सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। जिस प्रकार मैचेस अभी तक हुआ है दोस्तों, आपको यहाँ पे इस ग्राउंड पर लगभग 110 के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे RAIW के जो टीम है अभी तक 5 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से 4 मैचेस विन करा है दोस्तों, और एक भी मैचेस यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, एक मैच अवॉइडेड रहा था, इसलिए दोस्तों टोटल 5 मैच के अंदर 4 मैचेस इन्होंने विन कराया देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे BENW का रिकॉर्ड देखते हैं तो 3 मैच के अंदर 2 मैचेस जीती है और एक मैच लॉस करते हुए आए हैं दोस्तों। RAIW की टीम जो है काफ़ी मजबूत टीम है BEN के मुकाबले। चलिए बैटिंग ऑर्डर पर फोकस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब बेस्ट ऑप्शन रहने वाले नवजात प्रवीण टीम का आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगी दोस्तों। टीम के ओपन करते हुए पहले मैच के अंदर 18 रन स्कोर की है, फिर यहाँ पे 12 रन, फिर 44 रन बनाई हुई है। ध्यान रखना 5 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर इस टीम ने खेला हुआ है, जहाँ पे इन्होंने 3 मैचेस खेले हुए जहाँ पे दोस्तों 74 रन स्कोर की है। ध्यान रखना ओपनर बैट्समैन है, बाकी यहाँ पे इंद्राणी रॉय ओपन करने के लिए आएंगी। पहले मैच के अंदर 1 रन, दूसरे मैच के अंदर 2 रन स्कोर की है, टोटल 2 मैच के अंदर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे टोटल 3 रन बना चुकी है दोस्तों। ये जो प्लेयर है मतलब ओपन कर रही है, 2 मैचेस के अंदर भले ही फ्लॉप रही है लेकिन ध्यान रखना ये दोनों के दोनों अगर खेलती है तो आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगी। वो नेक्स्ट प्लेयर मेघना की बात करते हैं दोस्तों, ये भी ओपन करने के लिए आई थी, पहले मैच के अंदर 29 रन, दूसरे मैच के अंदर 0 रन स्कोर की है। देखो स्टार्टिंग के जो 3 प्लेयर है ना मतलब ओपन करेंगी अगर खेलते हैं तो, बाकी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने 2 ही मैचेस खेली है, ये भी 2 मैचेस, ये 3 मैचेस, तो ये आपको माइंड पर रखना है। हालांकि लाइनअप के बाद आपको अपडेट हो जाएगा हमारे फाइनल टीम के साथ साथ, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों प्लेइंग 11 के साथ साथ दोस्तों आपको शेयर कर दूंगा, टॉस का भी अपडेट। लेकिन अभी जो है दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखना कि प्लेयर्स ने कितने मैचेस में पार्टिसिपेट किया, सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको यहां पे रिकॉर्ड्स को देखना है, फॉर्म को समझना है कि प्लेयर्स का किस प्रकार फॉर्म चल रहा है, और उसके बेसिस पे ही आपको टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करने हैं। बाकी मोना मिश्रम की बात करेंगे दोस्तों, अभी तक 2 मैचेस इन्होंने खेली हुई है, पहले मैच के अंदर 48 रन, फिर यहाँ पे 35 रन स्कोर किए, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आप चाहें तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। श्वेता मैन जो कि टीम के सेकंड डाउन पे खेलते हुए 53 रन स्कोर की है। अंजलि श्रवणी की बात करेंगे दोस्तों, थर्ड डाउन पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 7 रन स्कोर किया और 3 ओवर का गेंदबाजी में 2 विकेट निकाली है, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रही है, लेकिन टोटल 4 मैच के अंदर इन्होंने 7 रन बना के 7 विकेट निकाल चुकी है। राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है दोस्तों, कंफर्म है कि आपको 4 ओवर ये बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगी, बहुत बेस्ट गेंदबाज है, इनको अपने टीम के अंदर आपको ट्राई करना है। बाकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे स्वागता रात के बारे में, टोटल 3 मैचेस इन्होंने खेले हुए, 31 रन प्लस 1 विकेट पूरे टूर्नामेंट के अंदर बनाई हुई है। लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर का बॉलिंग की थी और 1 विकेट निकाली, इसके पहले मैच के अंदर 29 रन बनाए थे, 4 ओवर का बॉलिंग में विकेट इनको हालांकि नहीं मिला।
वही अगर कनवार की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, पहले मैच के अंदर एक विकेट, फिर यहाँ पर लगातार दो मैच के अंदर फ्लॉप और लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाली हुई है, टोटल चार मैच के अंदर दो विकेट निकाले दोस्तों। प्रीति बोस दो मैचेस खेली है, दोनों मैच के अंदर ये फ्लॉप रही है। बाकी अरुंधति रेड्डी पहले मैच के अंदर एक विकेट, फिर एक विकेट, फिर दो विकेट, फिर यहाँ पे दोस्तों एक विकेट। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, टोटल चार मैच के अंदर इन्होंने देख सकते दोस्तों पाँच विकेट निकाल चुकी है। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर इनको विकेट ना मिला हो। बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए तनुश्री सरकार, ये दो मैचेस के लिए, पहले मैच के अंदर दो विकेट, दूसरे मैच के अंदर भी दो विकेट, टोटल दो मैच के अंदर चार विकेट निकाले हुए हैं। पूनम यादव इनको भी दोस्तों देख सकते हैं, एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जहां विकेट ना मिला हो। दोस्तों बहुत शानदार गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करती है, अभी तक पांच विकेट निकाल चुकी है, देख सकते हैं टीम के कैप्टन है, और लास्ट मैच के अंदर तीन ओवर का गेंदबाजी में दो विकेट निकाली थी। बाकी यहां पे रेणुका चार ओवर का गेंदबाजी में तीन विकेट निकाली हुई है। बाकी यहां पे देखेंगे राजेश्वरी कैकवर्ड के बारे में, पहले मैच के अंदर दो विकेट, फिर एक विकेट, दो मैचेस खेले दोस्तों, दोनों मैच के अंदर काफी बढ़िया विकेट मिला है। स्नेराना पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर चार ओवर का गेंदबाजी में तीन विकेट निकाली हुई है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स दोस्तों RAIW के, इसमें तो स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे दोस्तों यहाँ पे अंजलि अरुंधति रेड्डी, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको डेथ ओवर पे यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और डेथ ओवर पे दोस्तों पूनम यादव और यहाँ पे स्नेहराना ये आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अब बेंचेस प्लेयर की बात करते हैं तो मोना मेश्रम, पूनम राउत, यहाँ पे शानी टी, यहाँ पे कशमा सिंह, रेणुका, यहाँ पे तनुश्री सरकार, इंद्राणी रॉय, एकटा बिष्ट, यहाँ पे मेघना सिंह, प्रीति बॉस और लास्ट प्लेयर रहने वाले हैं रेणुका सिंह, ये आपको सारे के सारे बेंचेस में आपको नजर आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों बंगाल ओमेंस की टीम का रिकॉर्ड, यहाँ पे मिता पॉल आपको सेकेंड राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर नजर आई थी दोस्तों, यहाँ पे 15 रन स्कोर की है, फिर ओपन करने के लिए 8 रन बनाई थी, 3 ओवर का बॉलिंग से फ्लॉप रही थी, फिर 3 ओवर का गेंदबाजी में लास्ट मैच के अंदर भी फ्लॉप रही है। बाकी यहाँ पे थारा गुजर, ये टीम के ओपन करते हुए 6 रन बनाई है, फिर यहाँ पे 17 रन, फिर यहाँ पे सेकेंड राउंड पे खेलते हुए 1 रन पे आउट रहे थे, लेकिन ध्यान रखना टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलती है। प्रियंका बाला ये पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 8 रन बनाई है, दूसरे मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 37 रन, फिर यहाँ पे 7 रन बनाई हुई है, देख सकते हैं स्टार्टिंग के तीन प्लेयर टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे। बाकी अगर देखते हैं यहाँ पे दीप्ति शर्मा के बारे में, तो ओपन करते हुए पहले मैच के अंदर 11 रन बनाई और 3 विकेट निकाली हुई है। गौहर सुल्ताना ये पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर ही फ्लॉप है, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाली हुई है। दोस्तों कशिश अग्रवाल पहले मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 3 रन, फिर सेकंड राउंड पे खेलते हुए 32 रन, और फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 1 रन स्कोर किए दोस्तों। बाकी यहां पे जुम्मा खातून पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप रही है। बाकी ऋचा घोष थर्ड राउंड पे खेलते हुए 8 रन स्कोर किए, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहां पे देखोगे इशाक के बारे में दोस्तों, ये पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रही थी, लेकिन ध्यान रखना ये आपको अपने स्पेल के कंप्लीट 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, तो इनको अपनी टीम के अंदर आप एज ए बॉलर जरूर से जरूर ट्राई करना है आपको। बाकी यहाँ पे शुक्रिया परिंदा की बात करते हैं दोस्तों, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर फ्लॉप लास्ट के दोनों मैच के अंदर। बाकी यहाँ पे ती दास ये एक ही मैचेस के लिए, सॉरी दो मैचेस, पहले मैच के अंदर 4 नंबर पे खेलते हुए 3 रन बनाई थी, और दूसरे मैच के अंदर 2 ओवर की गेंदबाजी में ये फ्लॉप रही है, और लास्ट के दो प्लेयर जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग अभी तक नहीं की है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेंचेस प्लेयर में वंदना राणा, यहाँ पे निकिता, प्रीति और लास्ट जो प्लेयर रहने वाले दोस्तों यपुना राणा, जो कि आपको बेंचेस प्लेयर में नजर आएंगी। तो ये सारे रिकॉर्ड्स है दोस्तों, यहाँ पे RAIW और BENW के टीम के सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ। इसमें से दोस्तों आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए स्टैट्स को समझना, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को देखोगे प्लेयर्स क्या फॉर्म, मतलब क्या रोल है इनका, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, कौन 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहें ना तो डिटेल्स को फॉलो करते आप यहाँ पे आसानी से टीम बना सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, तो टीम एक बार आप देख लें, आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो विकेट कीपर पे दोस्तों सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाले यहाँ पे नवजात प्रवीण, मैंने पहले कहा था कि विकेट कीपर में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली, टीम के ओपन करती है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस खेले अभी तक 74 रन स्कोर कर चुकी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाले दोस्तों। बाकी देखो काफी लोग यहाँ पे आर घोष को ट्राई कर रहे हैं, मैंने आपको इनका रिकॉर्ड बताया है, यहाँ पे ऋचा घोष जो कि विकेट कीपरिंग करेगी ये कन्फर्म है, ठीक है। बाकी थर्ड राउंड पे खेलते हुए एक ही मैचेस में बैटिंग किए जहाँ पे 8 रन पे आउट रही थी, तो इनका रिकॉर्ड उतना बेहतर है नहीं। मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे प्रवीण को ट्राई करना, यही ज्यादा बेटर रहने वाले दोस्तों। बैटिंग में मैंने 3 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें से BEN के टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे, BENW के टीम की तरफ से डी गुजर को मैंने ट्राई किया, धारा गुजर जो टीम की ओपन करती है दोस्तों, पहले मैच के अंदर 6 रन पे आउट रहे थे, फिर 7 रन, फिर यहां पे 1 रन बनाई हुई है, इनका फॉर्म उतना बेटर है लेकिन टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलती है, तो चांसेस है कि इस मैच के अंदर बढ़िया खेल सकती है, ठीक है दोस्तों। इनको ट्राई करेंगे हम लोग अपने टीम के अंदर, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
वहीं अगर आप देखेंगे कशिश के बारे में दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फर्स्ट राउंड पे खेलती है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड का बैट्समैन, इस वजह से मैं ट्राई करूंगा बी इनके टीम की तरफ से। बाकी एम मेश्रम को मैंने लिया हुआ है, एम मेश्रम का रिकॉर्ड बेहतर है, अच्छा खेली है पूरी सीरीज के अंदर मोना मेश्रम। फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 48 रन, दूसरे मैच के अंदर 35 रन। तो ये तीन प्लेयर जो है बैटिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। देखो काफ़ी लोग यहाँ पे दोस्तों एस मैगना को ट्राई कर रहे हैं, हालांकि ये बढ़िया प्लेयर है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं सेफ टीम क्रिएट करते हैं तो एस मैगना अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाली है। ये ओपन करते ही दोस्तों पहले मैच के अंदर 29 रन स्कोर किया और दूसरे मैच के अंदर 0 रन पे आउट रहे थे। टीम के टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दोस्तों REIW के टीम की तरफ से 7 प्लेयर को ले रखा है। बॉलिंग सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट बॉलर है, इस वजह से दोस्तों एक खिलाड़ी को मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे दोस्तों डिफरेंशियल पिक के तौर पर अगर अपने साइड से चेंजेस करना चाहते हैं तो ये खिलाड़ी ओपन करेंगे, ये चीज़ आप जान लें। ऑलराउंडर में दोस्तों मैंने 3 ऑलराउंडर को लिया हुआ है, जिसमें से BNW के टीम की तरफ से अगर आप देखते हैं तो डी शर्मा को मैंने लिया हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों ये टीम की ओपन करती है, प्लस यहाँ पे गेंदबाजी फिक्स है इनका, तो इनको अपने टीम के अंदर कैप्टनसी के लिए भी आप ले सकते हैं। एस राणा को मैंने ट्राई किया हुआ है, एस राणा का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है दोस्तों, इस वजह से ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इनको ट्राई करते हैं अपने टीम के अंदर। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एस राणा जो कि बॉलिंग कन्फर्म 4 ओवर तक करेंगी REIW की टीम की तरफ से। बाकी टी सरकार को भी मैंने लिया हुआ है, ये भी काफी बढ़िया अभी तक खेली हुई है और इस वजह से मैंने अपने इनके अपने टीम के अंदर इनको ट्राई किया हुआ है। अभी तक दो ही मैचेस इन्होंने खेले हैं दोस्तों, टोटल 4 विकेट निकाल चुकी है। तो ये तीन प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन में बेस्ट है। बॉलिंग में दोस्तों मैंने 4 बॉलर को लिया हुआ है, जिसमें से REIW के टीम की तरफ से मैंने पूनम यादव को ट्राई किया हुआ है। आपको मैंने बताया था टीम के कैप्टन है और अभी तक एक भी मैचेस ऐसा नहीं किया जहाँ पर इनको विकेट ना मिला, बहुत बढ़िया बॉलिंग की है दोस्तों। 4 मैच के अंदर टोटल 3 विकेट निकाल चुकी है, तो ये आपके लिए मैंने कहा वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर देखो ये बॉलिंग करेगी, आप यहाँ पे बैटिंग से फिर उम्मीद मत रखना, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग बढ़िया करती है, डेथ ओवर पर गेंदबाजी करने के लिए आती है, इस वजह से मैंने इनको अपने टीम के अंदर ट्राई किया हुआ है दोस्तों। और वहीं अगर आप देखेंगे ए रेड्डी, इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, बॉलिंग आपको कंफर्म करते हुए देखेंगे 4 मैच के अंदर इन्होंने भी दोस्तों 5 विकेट निकाल चुके हैं। राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है, तो इनको मैं ट्राई करूंगा अपने टीम के अंदर। और यहां पर दोस्तों इन्होंने भी काफी बढ़िया खेली हुई लास्ट के कुछ मैचेस में, इस वजह से मैंने ट्राई किया हुआ है। बाकी एस परिदा को मैं ट्राई करूंगा, यहां पर BENW की टीम की तरफ से कंफर्म ये भी गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। फिर भी एक ऑप्शन छूट जाता है आर्गेक्वाड, याद रखना यह भी आपके लिए ऑप्शन है, ये भी दोस्तों बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं इजी। अगर ऑलराउंडर में किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करते हैं तो ऐसा स्थिति में अगर आप चाहे तो आर्गेक्वाड को भी ले सकते हो अपने टीम के अंदर, या फिर दोस्तों यहाँ पे एस मैगना ये ओपन करेंगे। ये 2-3 ऑप्शन है आपके पास, मैंने आपको सारे कंडीशन रख दिए, चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी टीम प्रीव्यू दोस्तों मेरा कुछ इस प्रकार का है, डी शर्मा को मैं कैप्टनसी के लिए लेता हूँ और वाइस कैप्टनसी के लिए पूनम यादव के साथ जा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि दोस्तों बॉलिंग कन्फर्म करेंगी, ठीक है, और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी। तो देखो ये मेरे साइड से टीम, आपको मैंने कंडीशन बता दी, अगर एक दो प्लेयर चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बाकी लाइनअप का वेट करो। अगर मेरे साइड से दोस्तों एक दो प्लेयर चेंज होता है तो फाइनल टीम में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है दोस्तों, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं वहां पर भी मैंने आपको पहला कमेंट पर लिंक आपको पिन कर दिया, आप क्लिक करके इजी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।